नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मैंने एक फिल्म बनाई है गौ रक्षक, जो गुजराती लैंग्वेज में बनी है और गुजरात के साधु संत समाज और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने इसे सपोर्ट भी किया है। एक अच्छे मैसेज के साथ फिल्म बनाई गई है, सेंसर से भी पास हो गई है और कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट बर्निंग इश्यू है और इसीलिए हमने इस फिल्म को बनाया कि जो कुछ भी इसको लेकर किसी के बीच में भी मिसकम्युनिकेशन है तो वी हैव ट्राइड विद द वे ऑफ एंटरटेनमेंट के ये इस फिल्म के जरिए हम दिखाना चाहते हैं। और गौ माता जो कि हर हिंदू का बच्चा जन्म के साथ उसको मातृतुल्य देवतुल्य कहा गया है तो उसका संबंध जुड़ा हुआ, तो हमने इस फिल्म के माध्यम से उसे गौ रक्षा, हमने गौ रक्षक मतलब सिर्फ गैया को पकड़ने वाले बचाने वाले मारपीट करने वाले को गौ रक्षक हम नहीं मानते, वो हो गए। गौ रक्षक का मतलब ये है कि गौ धन जो है हमारा उसको हम किस तरह कत्ल होने से रोक सकते हैं, उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, वैसा एक अच्छा इंटीग्रिटी का मैसेज लेके फिल्म बनाई गई है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को अचानक क्या दर्द हो गया, हमारी फिल्म रेडी थी, काफ़ी थिएटर्स बुक थे और अचानक कुछ लोकालिटीज से कुछ कम्युनिटी के स्पेसिफिक थिएटर्स से रिफ्यूज़ल आने लगा कि भाई हम ये फिल्म नहीं लगाएंगे। हमने पूछा भाई क्यों, तो बोले नहीं ये फिल्म बस पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की वाह वाह एक कम्युनिटी की अगेंस्ट है। हमने कहा आप फिल्म देखिए सर, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, सेंसर ने पास की है। और अगर आप लोग हर फिल्म मेकर को इस तरह, अब मैं तो एक बहुत छोटा सा फिल्म मेकर हूँ, तो मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे सर, ये मेरे ख्याल से इस देश में अभी एक समांतर सेंसर बोर्ड जन्म ले रहा है, जिसे आप पैरेलल सेंसर बोर्ड कह सकते हो, कि अब हमें फिल्म बनाने के पहले यही देखना है कि हम किस कम्युनिटी को या किस सोसाइटी को या किसको, अगर एक को अच्छा है तो दूसरे को बुरा, जबकि कोई भी फिल्म मेकर, जैसे कि आपने पद्मावत में देखा कि काफ़ी विरोध हुआ था, फिर फिल्म देखने के बाद किसी को कुछ, क्योंकि फिल्म मेकर होते वो एक थॉट लेके आते हैं, हम भी इस देश से जुड़े हैं, हमारे लिए भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई है, हमने किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया, वही सोच रहे कि भाई गौ रक्षक है तो एक कम्युनिटी की फेवर होगी, एक को आप नीचा दिखा रहे हैं। मनोज जी आपने उनको, ये मातृभाषा पे है तो मैं दो वर्ड अच्छे से सुना देता हूँ, लागणी ना जड़वड़े मर्दन करूँ छू, शब्द ने कागज पर घसी चंदन करूँ छू, बे फोटा ने बे न्यूज पेपर ना पुष्प चढ़ावी सौ प्रथम मातृभाषा ने वंदन करूँ छू, सबसे पहली बात। दूसरी बात है हम लोगों ने एकजुट होना, साथ में होना, एक प्रतिनिधि हो वो डिसीजन ले, हम उनके सपोर्ट में खड़े रहे, हम उनके लिए स्ट्रॉन्ग साथ में खड़े रहे, दैट इज इट। क्योंकि क्या है, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड, सो वन पर्सन इज डूइंग समथिंग, वी आर जस्ट हियर टुडे टू गिव द स्टैंड। गौ माता मतलब हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसमें, अब उसके ऊपर जब कुछ बनता हो तो उसमें तो आप लोगों को तो इतना सपोर्ट देना चाहिए कि कल हमें सबसे पहले सामने से फ़ोन आना शुरू हो जाए कि हु हैज़ डन दिस थिंग, किसकी हिम्मत हुई, ये आपके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ये मेरा कहना है, क्योंकि यू हैव अ सो मच पावर, प्रेस हैज अ सो मच पावर। कल आपके जो टाइटल और स्टेटमेंट रहेंगे ना, लीडर्स आके बोलना चाहिए या जो भी जिसके पास भी पावर हो उनको बोलना चाहिए कि प्लीज़ ये किसने किया है, इस पर एक्शन लिया जाए, इसके घंटों में लिया जाए, दिन बाकी है। सो आई थिंक दैट इज़ माई थाट। मैं एक कलाकार हूँ, मैं इनकी फिल्म में काम कर रहा हूँ, इनको बहुत सालों से जानता हूँ। कहने का मतलब यही है कि जब कोई भी काम होता है उसमें एक ही आदमी काम नहीं करता है, अगर 15 आदमी का ग्रुप है तो उसमें 15 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर काम करते हैं। फिल्म बनती है तो उस फिल्म के टेक्नीशियन से लेके कलाकार से लेके एग्जीबिटर से लेके सब में देखो तो कोई एक कम्युनिटी का उसके ऊपर वर्चस्व नहीं है, सब लोग मिलके एक चीज़ बनाते हैं। अगर मैं मिलके इसके साथ काम कर रहा हूँ मतलब मेरा इनके ऊपर विश्वास है, जो सब्जेक्ट बन रहा है उसमें मेरा भरोसा है। और गाय माता की रक्षा करना मतलब ये नहीं लाठी लेके उनके पीछे भागो,
कितनी गायें हैं जिनको खाना नहीं मिला? जी मैं मनोज जी के साथ मैंने पिछले 5-6 साल से मैंने काम किया है, उनकी नमो महावीर काफ़ी कुछ पिक्चर की उनके साथ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मनोज जी काफ़ी अच्छे इंसान है। और गौ रक्षक उसके लिए तो मैं हम लोग काफ़ी उत्सुक थे कि रिलीज होगी तो देखेंगे, और खास जो कोई विवाद तो कोई पिक्चर है नहीं कि कंट्रोवर्सी हो इसमें, क्योंकि पंकज जी को भी मैं जानती हूँ क्योंकि काफ़ी 5-6 साल से मैं उनको जानती हूँ, और जो कि हमारे जो कृष्ण भगवान के वंशज से हैं तो गौ रक्षक यानी वो कृष्ण भगवान के वंशज से है तो वो प्राणी के प्रति बहुत प्रेम करते हैं, या उसके प्रति उनके बचाव के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो कोई गलत बात, एक इंसान की रक्षा के बारे में बोल रहा है तो यहाँ कोई लड़ाई या मार काट इस बारे में कोई बात नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि ना रिलीज़ होने की कोई वजह नहीं है, तो इसे रिलीज़ होना चाहिए और हम तो इंतज़ार करेंगे कब रिलीज़ हो, और चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये रिलीज़ हो और हम देखें। मैं थिएटर अपने उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका वर्णन केवल करे और उसको बंद करे, जहाँ तक मनोज जी को जानती हूँ वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लाई होना चाहिए कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया है पता नहीं, क्यों रोका गया है पता नहीं। मेरा नाम है रोशनी प्रियारो, मैं क्रिश्चियन हूँ और मनोज जी को मैं मिली हूँ और मुझे ये तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि जो गौ रक्षक सिर्फ एक नाम है और उन्होंने जो फिल्म बनाई है अफकोर्स अच्छे के लिए, मुझे तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।